जय हिंद प्यारे दोस्तों, अगर आपकी उम्र है 18 से 25, अगर आप हैं 12th पास मेल या फीमेल, अगर आपकी हाइट है अच्छी, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज है, रनिंग वगैरह आप कर लेते हो, हाई जंप लॉन्ग जंप भी कर लेते हो, तो एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की 700 पोस्ट आ गई हैं। कोई भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, मौका नहीं छोड़ना। ज्यादा जानकारी के लिए अभी पूरा वीडियो देखिए। हाइट और एनसीसी अगर है, एक्स्ट्रा हाइट है, ज्यादा हाइट है, तो उसका बोनस भी मिलेगा। कोई भी असिस्टेंस चाहिए, बात पूछनी है, करनी है, 8104229005 पे आप पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो अभी देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल के अंदर वीडियो। हाँ जी, सो गाइज, बहुत ही खुशी की बात है, वेट इज ओवर नाउ। बहुत ही टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे कोई ढंग की वैकेंसी आ जाए। सो गाइस, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और ये मोस्ट लव्ड वैकेंसी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पुलिस की भर्ती का वेट करते हैं। गाइस, हाईएस्ट पेड कांस्टेबल जॉब है ये। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 60,000 पर मंथ की सैलरी है इसकी। सो हाईएस्ट पेड पुलिस ये पोस्ट है ये। तो अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और आज ही आया है। सो 20 मई यानी आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 27 मई से फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं और 17th जून लास्ट डेट है। सो गाइस, लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करते, सर्वर प्रॉब्लम्स और दिक्कतें। हाँ, और अभी भी नहीं भर देना, शुरू होते भी फॉर्म कभी नहीं भरते। धीरे धीरे कुछ बातें पता लगती हैं और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो फॉर्म फिल कैसे करते हैं, थोड़ा चीज़ें डिटेल में जान के ही फॉर्म फिल किया जाता है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार भी नहीं करना और अभी आज या कल में ही फॉर्म नहीं भरना, रुक जाओ एक बार। सो सारी की सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। और टेंटेटिव एग्जाम डेट, टेंटेटिव का मतलब होता है वैसे चांसेस, लेकिन चांसेस नहीं, ये मान के चलो कि एग्जाम जो है वो 23 जुलाई को तो एग्जाम हो ही जाएगा। अब अगर बात करें पोस्ट्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 324 है, ओबीसी के लिए 185, एससी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 और फिर टोटल 700 पोस्ट हैं। अब इसके अंदर अपने मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज अंदर जाएंगे तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मेन चीज ये है, मोटिवेट कर रहे हैं खुद को, तो आप सिर्फ यही देखिए कि 700 पोस्ट हैं। उसके बाद बात करें अगर एज की, तो जो मोटा मोटा जो क्राइटेरिया है, जो रेंज है, वो 18 से 25 है। यानी जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 18 से 25 की एज की रेंज है। बाकी ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की छूट है, ठीक है, और एससी के लिए आप ये कह सकते हैं 5 ईयर्स की एक रिलैक्सेशन है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कैटेगरी और भी फिर ज्यादा हो जाती है, वो आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि 10+2 यानी 12th, बस 12th पास, और एक्स सर्विसमैन के लिए उसके इक्विवेलेंट का कोई भी और सर्टिफिकेशन चल जाएगा। तो 10th पास, मतलब 12th पास के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, एक बहुत ही लग्जूरियस सैलरी है ये, बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ड्राइविंग स्किल्स, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। भारत है, यहाँ पे लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सारी उम्र निकाल देते हैं, पर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, आप कोई, इन्होंने कोई पर्टिकुलर डिग्री मेंशन नहीं की है, कोई पर्टिकुलर कोर्स का नाम मेंशन नहीं किया है। हाँ, इन्होंने क्लॉज मेंशन कर दिया है कि आप इस क्लॉज को थोड़ा और ढंग से पढ़ लीजिए,
तब वहां आपको पता लग जाएगा अभी मिनिमम किस तरह का उन्हें सर्टिफिकेशन कोई चाहिए, बाकी एज सच कुछ नहीं लिखा है। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आते हैं। फीस तो बिल्कुल ही कम है जी, बिल्कुल। आप देखिए सिर्फ 1000 रुपये, क्या आता है 1000 रुपये में आजकल, ठीक है ना, सिर्फ 1000 रुपये फीस है। हाँ, पर दिक्कत उधर है कि बाकी एग्जाम्स के अंदर तो हमारा कुछ लगता ही नहीं, 100 रुपये, 125 रुपये। तो अगर सैलरी इतने टिका के दे रहे हैं तो फीस भी तो लेंगे। तो 1000 रुपये फीस किसके लिए है? अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और ईडब्ल्यू के लिए फीस कितनी है? 800। और एक्स सर्विस मैन एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ये जॉब ही पुलिस वालों के लिए है, तो फिर एक्स सर्विस मैन को तो छूट मिलनी चाहिए ना। उसके बाद बात कर रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखो इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, लेकिन वो उन्हीं इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही रिटर्न एग्जाम होगा। यानी अगर आपका कहते हैं ना कि अगर हाइट ठीक है, अगर आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग ये सब क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो ही आप रिटर्न टेस्ट दे पाएंगे। तो रिटर्न टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा आपका, और यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम 3 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, यानी पेपर इन 3 लैंग्वेजेस में आएगा। और आपको ये लैंग्वेज फॉर्म भरते टाइम ही चूज करनी है, यानी ये पेपर कोई बाइलिंगुअल टाइप का नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिख रहा है, पंजाबी में भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सो व्हाइल फिलिंग द फॉर्म बी केयरफुल कि आप उसी लैंग्वेज को चूज करिए जो जिसमें आप एग्जाम देखना चाहते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बाद में चेंज नहीं होगा। अगर बात करें कट ऑफ की, तो ये मिनिमम कट ऑफ है। मिनिमम का मतलब ये है कि कम से कम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 35, ओबीसी के लिए 35, और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। कट ऑफ तो सबको ही पता है बहुत ऊपर जाएगी इससे, कट ऑफ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी इससे, लेकिन ये ठीक है कि इतने तो मार्क्स होने ही चाहिए, इतने तो आने ही चाहिए। तो बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट, तो मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपकी हाइट भी अच्छी है, यानी अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी हाइट 183 है या उससे ज़्यादा है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और गर्ल्स की भी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर या उससे अबव है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट में कि कितने मिनट में कितने मीटर्स कवर कर रहे हैं आपको, ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि चलो बता देता हूँ, मेल्स को, जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1600 मीटर कवर कर रहे हैं 6.25 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर कवर कर रहे हैं 4.25 मिनट के अंदर, ठीक है। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और बहुत कुछ है। सो अभी इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं अभी एक बार और बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है इसके अंदर कि अभी एक स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी जैसे अभी हमने देखा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर निकलता है उसके अंदर, उससे हमें ये पता लगता है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो 1 आवर 45 मिनट्स का होगा, और ये उन्हीं का ही होगा जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अब एग्जाम में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो हैं किसके, तो जीके और करंट अफेयर्स 50 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 35 मार्क्स की, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की। सो गाइज, हम इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप इस कोर्स को लेना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम इसके लिए डेडिकेटेड MCQs भी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपका डेली MCQs मिलेंगे आपको, और कोर्स की जानकारी मिलेगी। आपको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा वो कैब इंग्लिश गुरु ऐप पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, बहुत ही शानदार फैकल्टीज़ के द्वारा
आपको इसका पूरा का पूरा स्टडी करवाई जाएगी और जो भी पैटर्न है, जो कट ऑफ है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, सबको ध्यान में रख के हम इस कोर्स को आप तक लाएंगे। सो गाइज, कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिए। सो गाइज, मिलते हैं अब इसी वैकेंसी को लेकर किसी और अच्छी वीडियो में, एमसीक्यू लेके आएंगे और जानकारी भी देंगे आपको। सो गाइज, भर्ती का पूरा फायदा उठाना है, छोड़ना नहीं है। मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।